चीनी और नमक खाने में टेस्ट लेकर आते हैं, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं लगता कि इन दो वजहों से ही वो बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो आज आप उन योग अभ्यास को तमाम दर्शकों के साथ करवाइए कि जुबा पर कंट्रोल भी रहे, सेहत भी बनी रहे, और कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए कि अगर थोड़ा लेवल बिगड़ गया है तो उसे ठीक किया जा सके। एक तो गोमुखासन, ये लीवर के लिए, ये किडनी के लिए, क्रिएटिनिन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में ध्यान करके कि मेरे किडनी के सारे सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरी किडनी रिजुविनेट हो रही है, जो मैं पांच शब्द बोलता हूँ ना, योग से रिजुविनेशन होता है, योग से रीबर्थ, डिवाइन बर्थ होता है, योग से हमारा कंप्लीट बैलेंस होता है, योग से हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ, डिवाइन बर्थ होता है। तो ये चीज़ें अनुभव किए, ऐसे पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, एकाग्रता से गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन, चलो मंडूकासन करते हैं, नाभि के दोनों ओर मुठियां लगा दी, आगे झुक गए ऐसे, और ऐसे ये मंडूकासन ऐसे किया, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो बैठ करके, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा पैकेज, एक एक आसन को 10-10 मिनट किडनी पर ध्यान करते हुए करेंगे कि मेरी किडनी स्वस्थ हो रही है। संकल्प चिकित्सा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाव चिकित्सा। और करते 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 हम इतने गुणातीत और भावातीत हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, इससे अपने आप शरीर के साथ, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर संयम भी आ जाता है। और ये जो आप बता रहे थे, ये चीनी और ये नमक, ये अपने आप ही छूट जाते हैं, माने अपने भीतर से ही ऐसी संकल्प शक्ति, इतना मनोबल, आत्मबल प्रबल हो जाता है कि अपने आप जो ये शरीर को नुकसान करने वाली जो चीज़ें छूट जाती है। चीनी का विकल्प है खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, चीनी का विकल्प है हनी, चीनी का विकल्प है गुड़, शक्कर, वो भी कम मात्रा में लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगली बार नमक का विकल्प है सेंधा नमक, और ये जो साग सब्जियां सलाद जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी खेतों में पीछे साग सब्जियां भी तैयार हो गई है, पीछे तक सलाद हमने बो रखी है, साग सब्जियां सलाद, कच्चा खाना, रो फूड जो है, हमने एक महापुरुष को देखा, वो करीब 80% रो फूड खाते थे, SSY के संस्थापक, और ये हम नेचुरोपैथी में देखते हैं रो फूड। और योगाभ्यास में मंडूकासन, शशकासन, जो प्रकाश भाई बोल रहे थे गोवा वाले, खुद अपना बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं, मेरे से बोले एक वेलनेस सेंटर वहाँ भी खोल देना स्वामी जी, बहुत लोग दुखी हैं। मंडूकासन, शशकासन, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करें, फिर खानपान पर ध्यान रखें, आहार ही हमारा उपचार है, विचार ही हमारा उपचार है।